अफगानिस्तान में ऐसा क्या है जो इसे पूरी दुनिया में साम्राज्यों की कब्रगाह के रूप में जाना जाता है? आखिर क्यों अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, सोवियत संघ समेत दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां इसे जीतने की कोशिश में नाकाम रहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अफगानिस्तान के इतिहास और भूगोल में मिलता है। 19वीं सदी में तब दुनिया में सबसे ताकतवर रहे ब्रितानी साम्राज्य ने अपनी पूरी ताकत के साथ इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन 1919 में आखिरकार ब्रिटेन को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। मंशा ये थी कि 1978 में तख्ता पलट करके स्थापित की गई कम्युनिस्ट सरकार को गिरने से बचाया जाए, लेकिन उन्हें ये समझने में 10 साल लगे कि वो ये युद्ध जीत नहीं पाएंगे। साल 2001 में अमेरिकी नेतृत्व में हमले और उसके बाद कई सालों तक चले युद्ध में लाखों लोगों की जान गई। इस हमले के 20 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला किया। बाइडन ने अपने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिकी नागरिकों को एक ऐसे युद्ध में नहीं मरना चाहिए जिसे खुद अफगानी लोग ना लड़ना चाह रहे हों। साम्राज्यों की कब्रगाह के रूप में अफगानिस्तान की ख्याति को याद करते हुए बाइडन ने कहा, चाहे जितनी भी सैन्य शक्ति लगा लें, एक स्थिर, एकजुट और सुरक्षित अफगानिस्तान हासिल करना संभव नहीं है। अफगानिस्तान के इतिहास पर अफगानिस्तान साम्राज्यों की कब्रगाह नाम की किताब लिखने वाले डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट डेविड इस्बी बीबीसी मुंडो को बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि अफगान काफी शक्तिशाली हैं, बल्कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है वो आक्रमणकारी ताकतों की गलतियों की वजह से हुआ है। ये एक जटिल देश है जहाँ आधारभूत ढांचा काफी खराब है, विकास काफी सीमित है और चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। अक्सर कहा जाता है कि अफगानिस्तान को जीतना असंभव है। ये एक गलत बयान है। ईरानियों, मंगोलों और सिकंदर ने अफगानिस्तान को जीता है, लेकिन ये तय है कि ये एक ऐसा दुस्साहस है जिसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। 19वीं सदी में ज्यादातर समय के लिए अफगानिस्तान ब्रितानी और रूसी साम्राज्यों के बीच मध्य एशिया को नियंत्रित करने की रस्साकसी में प्रमुख मंच था। कई दशकों तक रूस और ब्रिटेन के बीच राजनयिक और राजनीतिक संघर्ष जारी रहा, जिसमें आखिरकार ब्रिटेन की जीत हुई, लेकिन ब्रिटेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ब्रिटेन ने 1839 से 1919 के बीच 3 बार अफगानिस्तान पर हमला किया और ये कहा जा सकता है कि तीनों बार ब्रिटेन फेल हुआ। पहले एंग्लो अफगान युद्ध में ब्रिटेन ने 1839 में काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन ब्रिटेन को लग रहा था कि अगर उसने ये कदम नहीं उठाया तो उससे पहले रूस काबुल पर कब्जा कर लेगा। इसके चलते ब्रिटेन को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। कुछ जनजातियों ने बेहद सामान्य हथियारों से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की सेना को बर्बाद कर दिया। 3 साल के आक्रमण के बाद अफगानिस्तान ने आखिरकार हमलावर सेना को भागने के लिए मजबूर कर दिया। इसके 4 दशक बाद ब्रिटेन ने एक बार फिर कोशिश की। इस बार उसे कुछ सफलता मिली। साल 1878 से 1880 के बीच हुए दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध में अफगानिस्तान ब्रितानी संरक्षित राज्य बन गया, लेकिन ब्रिटेन को काबुल में एक रेजिडेंट मिनिस्टर रखने की अपनी नीति को त्यागना पड़ा। इसकी जगह ब्रितानी साम्राज्य ने एक नए अफगान अमीर को चुनकर देश से अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। लेकिन साल 1919 में जब इस नए अमीर ने खुद को ब्रिटेन से आज़ाद घोषित कर दिया, तब तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध शुरू हुआ। 4 महीनों तक चली जंग के बाद ब्रिटेन ने आखिरकार अफगानिस्तान को स्वतंत्र घोषित कर दिया। साल 1920 के दौरान अमीर अमानतुल्ला खान ने देश को सुधारने की कोशिश की। इनमें महिलाओं के बुर्का पहनने की प्रथा को खत्म करना शामिल था। इन सुधारवादी प्रयासों ने कुछ जनजातियों और धार्मिक नेताओं को नाराज कर दिया, जिससे एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई। इस संघर्ष की वजह से अफगानिस्तान में कई दशकों तक हालात तनावपूर्ण रहे और 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया ताकि एक बुरी तरह असंगठित कम्युनिस्ट सरकार को सत्ता में बनाए रखा जा सके। कई मुजाहिदीन संगठनों ने सोवियत संघ का विरोध करते हुए उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। इस जंग में मुजाहिदीनों ने अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, ईरान और सऊदी अरब से पैसा और हथियार लिए। इस युद्ध में लगभग 15 लाख लोगों की मौत हुई और 50 लाख लोग शरणार्थी बन गए। सोवियत संघ की सेना ने कई तरीकों से चरमपंथ खत्म करने की कोशिशें की,
लेकिन गुरिल्ला सैनिक अक्सर ऐसे हमलों से बच जाते थे। इसी समय तत्कालीन सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव को एहसास हुआ कि रूसी अर्थव्यवस्था को बदलने की कोशिश करते हुए युद्ध जारी नहीं रख सकते और 1988 में अपने सैनिकों को वापस लेने का फैसला किया। लेकिन इस वापसी से सोवियत संघ की छवि कभी उबर नहीं पाई। सोवियत संघ के लिए अफगानिस्तान वियतनाम युद्ध बन गया। ये एक बेहद खर्चीला और शर्मनाक युद्ध था जिसमें सोवियत संघ अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद स्थानीय गुरिल्ला लड़ाकों से हार गया। इसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया। अफगानिस्तान में ब्रिटेन और सोवियत संघ के असफल प्रयासों के बाद अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान में लोकतंत्र का समर्थन करने और अलकायदा को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया। इससे पहले के दो साम्राज्यों की तरह अमेरिका भी जल्द ही काबुल जीतने और तालिबान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने में सफल रहा। 3 साल बाद अफगान सरकार अस्तित्व में आई, लेकिन तालिबान के हमले जारी रहे। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2009 में सैन्य टुकड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी की जिससे तालिबान पीछे हट गया, लेकिन ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं हुआ। 2014 में सबसे ज्यादा खून खराबा देखा गया। नाटो सेनाओं ने अपना मिशन पूरा करके जिम्मेदारी अफगान सेना पर सौंप दी। इसकी वजह से तालिबान ने ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसके अगले साल लगातार आत्मघाती बम धमाके दर्ज किए गए। इनमें काबुल की संसद और हवाई अड्डे के नजदीक किया गया धमाका शामिल है। हालांकि सोवियत संघ के युद्ध में ज्यादा खून खराबा हुआ, लेकिन अमेरिकी आक्रमण ज्यादा खर्चीला साबित हुआ। सोवियत संघ ने जहां अफगानिस्तान में प्रति वर्ष लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए, वहीं अमेरिका के लिए 2010 और 2012 के बीच युद्ध की लागत प्रति वर्ष लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई थी। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान के कब्जे से अफगानिस्तान में एक मानवीय संकट पैदा हुआ है जिसके चलते हजारों लाखों लोग बेघर हो गए हैं। इस भी कहते हैं मध्यम अवधि में यह देखना आवश्यक होगा कि क्या तालिबान शासन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मंजूरी मिलेगी। मुझे इस मामले में काफ़ी संदेह है। और अगर विश्व बिरादरी के लिए तालिबान से निपटना असंभव हो जाता है तो यह देखना अहम होगा कि क्या कोई अन्य शक्ति दुनिया में साम्राज्यों की कब्रगाह माने जाने वाले अफगानिस्तान पर आक्रमण करने का जोखिम उठाती है।